पहाड़, बारिश और बर्बादी की तस्वीर लगातार सामने आ रही है। बाढ़ से इंसानी नहीं जानवर भी परेशान है। कर्नाटक के बेलगावी से ऐसी एक हैरान करने वाली तस्वीर सामने आई है। यहाँ एक मगरमच्छ घर की छत पर चढ़ गया। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि चारों तरफ पानी से मगरमच्छ भी किस कदर परेशान हो गया है और ये जाकर चढ़ गया घर की छत पर, जहां पर वो अपने आप को महफूज महसूस कर रहा होगा। लेकिन तस्वीर बता रही है कि अब जीव जंतु भी किस कदर बारिश और ये जो तस्वीरें लगातार बाढ़ की सामने आ रही है उससे आजिज आ चुके हैं। लेकिन लगातार ये इस मुसीबत बड़ी से बड़ी होती जा रही है। लोग उम्मीद लगाए बैठे हैं कि कब ये इलाकों से पानी उतरेगा, लेकिन वो दिन कितनी जल्दी आएगा ये कह पाना बहुत मुश्किल है। इस बीच ये मगरमच्छ की तस्वीर बाढ़ से इंसान ही नहीं जानवर के परेशान होने की कर्नाटक के बेलगावी की है, जहां ऐसी एक हैरान करने वाली तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां मगरमच्छ घर की छत पर चढ़ाया है। पानी पानी इस बीच है और इस बीच पानी के अलावा कुछ ना दिखता हुआ ये छत पर मगरमच्छ की तस्वीर कर्नाटक के बेलगावी की है। और कर्नाटक के हवेरी जिले में भी हालात खराब लग रहे हैं। वहां बेन्नी हल्ला नदी उफान पर है, जिस वजह से नदी के आसपास रहने वाले लोगों की मुश्किल बढ़ गई है, क्योंकि उफनती नदी में पानी तेजी से बढ़ गया है। इंसानों के अलावा वहां जानवरों को भी परेशानी उठानी पड़ रही है। कुछ भैंसे नदी के बहाव में बहती चली गई, जिन्हें एक एक कर लोगों ने जैसे तैसे बाहर निकाला। चिकमंगलूर में भी भारी बारिश की वजह से भद्रा नदी में पानी का बहाव बढ़ गया। हालात ऐसे बन गए कि नदी पर बना पुल भी पानी में डूब गया और लोगों का वहां से आना जाना बंद हो गया। हम्पी में भी बाढ़ ने अपना विकराल रूप दिखाया है। इलाकों में पानी भरा हुआ है, बाढ़ ने सब कुछ तहस नहस कर दिया है। तो दक्षिण भारत ही नहीं बल्कि उत्तर भारत के भी कई राज्य बाढ़ की चपेट में हैं और उत्तराखंड में भी बीती रात से लगातार कई जिलों में बारिश हो रही है। और उसके बाद ये तस्वीर आप चमोली की देख रहे हैं, जहां लगातार बारिश के बाद आसपास की नदियां उफान पर थी और देखते ही देखते चमोली में 3 मंजिला एक मकान इस तेज बहाव में बह गया। आसपास के इलाके में हड़कंप मच गया। ये तस्वीरें आप देखिए, बाढ़ का पानी जब रिहायशी इलाकों में दाखिल होने लगा तो कमजोर मकान किस तरह देखते ही देखते ताश के पत्तों की तरह ढह गया और इस तेज बहाव में उसका पूरा मलबा बहता चला गया। उत्तराखंड के चमोली की तस्वीर। उत्तराखंड में बीती रात से लगातार बारिश हो रही है और ऐसे में नदी नाले उफान पर, नदियों का पानी अब रिहायशी इलाकों तक पहुंच रहा है। ऐसे में 3 मंजिला एक कमजोर इमारत भरभरा कर गिर गई। मौसम विभाग ने आशंका जाहिर की है कि अगले 2 दिनों तक और लगातार बारिश हो सकती है। उत्तराखंड के ज्यादातर जिलों में लगातार बारिश के बाद अब लोगों में खौफ इस बात का है कि ये पानी रिहायशी इलाकों में दाखिल ना हो जाए। और इधर उत्तराखंड के ही तमाम वो जिले जहां देर रात से भारी बारिश हो रही है, देहरादून में भी बारिश की वजह से रिस्पना और बिंदाल नदियां उफान पर हैं। नदी के आसपास के इलाकों में घरों में पानी घुसने का खतरा मंडरा रहा है। मौसम विभाग का अनुमान है कि अगले 2 से 3 दिन उत्तराखंड के कई जिलों में भारी बारिश होगी। मतलब साफ है कि मौसम की आफत जो बनी हुई है उससे हाल फिलहाल राहत मिलने वाली नहीं है। लोग सिर्फ आस लगा सकते हैं, लेकिन ये उम्मीद कब पूरी होगी कह पाना बहुत मुश्किल है। उत्तराखंड के देहरादून की तस्वीरें, जहां नदियां उफान पर हैं और इस उफनती नदियों को देखकर लोग डरे हुए हैं, दहशत में हैं कि अगर इसी तरह से बारिश का सिलसिला चलता रहा तो उनकी दिक्कतें और बढ़ सकती हैं। वहीं तमिलनाडु में कृष्णराजा सागर बांध भी लबालब भर गया है और इसके भी दरवाजे खुलने पड़े हैं। आसपास की नदी नाले उफान पर हैं और ये तस्वीर आप देख रहे हैं, कावेरी नदी, दक्षिण भारत की मशहूर कावेरी नदी भी उफान पर है। और ऐसे में कावेरी नदी के बिलिगुंडलू की ये तस्वीर हम आपको बता रहे हैं, जहाँ पर होकेनक्कल वाटरफॉल में, जहाँ आम तौर पर तो लोग पर्यटक के तौर पर पहुँचते हैं, लेकिन अब जबकि धर्मपुरी जिले में लगातार बारिश हो रही है, कावेरी नदी भी उफान पर है। और कावेरी नदी का ही
कृष्णा राजा सागर डैम लबालब भर चुका है। पानी छोड़े जाने के बाद अब ये रिहायशी इलाकों तक दाखिल हो रहा है। और ये दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं जो है धर्मपुरी ज़िले की ही होकेनक्कल वाटरफॉल की। आम दिनों में यहाँ बड़ी तादाद में पर्यटक होते हैं, लेकिन लगातार बारिश के बाद अब ये कावेरी नदी उफान पर है और इस वाटरफॉल से अब लोगों को दूर कर दिया गया है। देश के ज्यादातर राज्यों में इस समय भारी बारिश हो रही है, जिस वजह से कई जगह बाढ़ आ गई है, जबकि कई जगह बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं। महाराष्ट्र के कोल्हापुर और सांगली में भीषण बाढ़ से हालात खराब हैं। कुछ ऐसा ही हाल मध्य प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक और केरल के कई जिलों में है। और तस्वीर आपको दिखा रहे हैं 8 ऐसे इलाके महाराष्ट्र के ही, मध्य प्रदेश के, गुजरात के, साथ ही साथ हम आपको दिखा रहे हैं वो हिस्से जहां सबसे ज़्यादा इस बाढ़ का असर दिख रहा है, जिसमें कर्नाटक भी शामिल है। और ये तस्वीरें गवाही दे रही हैं कि लोग त्राहिमाम हैं इस बारिश से जो लगातार हो रही है और लबालब पानी इन इलाकों में भर गया है। वो कौन से इलाके हैं वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। गुजरात के भी कई ज़िले बाढ़ की चपेट में हैं और ऐसे में कच्छ में खास तौर पर नदी नाले उफान पर हैं। और ये एक बेहद ख़ास तस्वीर गुजरात के कच्छ इलाके से, जहां एनडीआरएफ की टीम लोगों को राहत पहुंचा रही है। वहीं कच्छ पूर्व के एसपी एक मासूम बच्ची को गोद में लेकर उसे सुरक्षित स्थान तक पहुँचाते नजर आ रहे हैं। लेकिन कल ही गुजरात पुलिस के एक जवान की जांबाजी वाली तस्वीर भी सामने आई थी, और ये भी मोरबी इलाके से ही थी, जहाँ उफनते नदी को पार कराते दो बच्चियों को अपने कंधे पर बिठाकर सुरक्षित जगहों पर पहुंचाते गुजरात पुलिस का ये जवान पृथ्वीराज सिंह, जिसकी पुलिस विभाग ने भी जमकर तारीफ की। लेकिन आज एक बार फिर कच्छ पूर्व का एक और पुलिस अधिकारी इसी तरह से जांबाजी दिखाता हुआ नजर आया है। कच्छ और आसपास की नदियां उफान पर है, ऐसे में अब एनडीआरएफ की टीम लोगों को राहत पहुंचा रही है। और दो तस्वीर आप देख रहे हैं कच्छ की, जहां कच्छ पूर्व के एसपी एक मासूम बच्ची को गोद में लेकर सुरक्षित उनके माता पिता को सौंपते हुए एनडीआरएफ की टीम जहां रेस्क्यू ऑपरेशन कर रही है। वहीं कल एक और तस्वीर गुजरात के मोरबी इलाके से आई थी, उफनती नदी को पार करता एक पुलिस का जवान अपने कंधे पर दो मासूम बच्चियों को बिठाता। बाढ़ की इन तस्वीरों के बीच जब इस तरह की तस्वीरें आती हैं तो कुछ सुकून भी पहुंचता है। इधर गुजरात के गोधरा की अगली तस्वीर, बाढ़ के पानी को पार करती गायों के एक झुंड का वीडियो वायरल हुआ है। गायों का ये झुंड जंगल में चारे के लिए जा रहा था, तभी सड़क पर बाढ़ का पानी तेजी से आ गया और गायों का झुंड उसमें फंस गया। सड़क पर पानी ऐसे बह रहा था मानो वहां कोई नदी बह रही हो, जबकि गायों को लेकर जा रहा चरवाहा भी कमर तक पानी में डूबा नजर आया। इसी बीच एक गाय पानी के तेज बहाव में बहकर अपने झुंड से अलग हो गई। इसके बाद पानी में डूबी गाय अपनी जान बचाने के लिए कड़ी मशक्कत करती नजर आई। पानी का बहाव इतना तेज था कि गाय एक कदम भी आगे नहीं बढ़ पाई। हालांकि कुछ देर बाद गाय दूसरे किनारे तक पहुंच गई, जिससे उसकी जान बच गई। बताया गया है कि सरदार सरोवर बांध के गेट खोलने की वजह से गोधरा में हालात ज्यादा बिगड़ गए हैं। हमारे गाय जंगल नदी पार से हमारे आ बाजू ने तो गायो भूखी मरी, એટલે અમારે જીવન સાઈઝ ખેડૂત પડે છે, એટલે અમે અંદર ગાયો કાઢીએ તો અમારી ગાયો મય પડી જાય, બેરે બેરે નીકળે, જોખમની વાત આ તો ઠીક છે, કોઈ માણસ ગાય પાછળ જાય તો એ બી જોખમ કહેવાય। खास तौर पर गुजरात का कच्छ भीषण बाढ़ की चपेट में है। आसपास के कई ऐसे गांव हैं जिनका दूसरे इलाकों से संपर्क कट चुका है। कई रास्ते और पुल पूरी तरह से डूब चुके हैं। लोग राहत का इंतजार कर रहे हैं, भी यहां पहुंची है और लोगों को सुरक्षित जगहों तक पहुंचाया जा रहा है, क्योंकि कई रास्ते पूरी तरह से डूब चुके हैं, कई पुल डूब चुके हैं। हालांकि कई दफ़ा ऐसे डूबे हुए रास्ते और तेज बहाव में लोग पुल पार करते हुए भी दिखाई दिए, हालांकि ऐसा करना जानलेवा भी साबित हो सकता है। गुजरात के कच्छ की ये तस्वीर आप देख रहे हैं, जहाँ लगातार बारिश के बाद कई रास्ते डूब चुके हैं आठ गांव के ये लगभग 60-70 आदमी है फंसे हुए, 60-70 साइड फंसे हुए हैं। प्रशासन से क्या मांगे? प्रशासन से जल्दी आके पूछा करे क्या हालत है इधर, ये पुल बना ले तो अगली बार बारिश के सीजन आए तो कुछ भी दिक्कत न हो।
और महाराष्ट्र के सांगली में सैलाब का सितम अभी तक थमा नहीं है। जगह जगह पानी भरे होने की वजह से लोगों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। यही वजह रही कि एनडीआरएफ की टीम पूरी मुस्तैदी के साथ लोगों को बचाने में जुट गई। सांगली में बारिश तो थमी है लेकिन पानी इतना ज्यादा भरा हुआ है कि बिजली के खंभों से लेकर मकान तक अभी भी पानी में डूबे हैं। असल में सांगली में कृष्णा नदी ने अपना कहर बरपाया हुआ है। नदी में सैलाब इस कदर है कि पूरा सांगली डूब गया है। पूरे इलाके में कई फीट पानी भरा हुआ है। तो तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं, एनडीआरएफ की टीम महिला वहां पर जिनको रेस्क्यू किया जा रहा है। बारिश नहीं हुई है लेकिन इन बारिश के बाद जो पानी इकट्ठा हुआ है वो इतना ज्यादा है कि उसमें अगर कोई व्यक्ति प्रवेश करता है तो वो कमर से ऊपर तक पानी में डूब जाता है। रेस्क्यू टीम लगातार लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचा रही है लेकिन ऐसे में सांगली की तस्वीर बता रही है, देखिए किस तरह से कुछ तो पानी इस तरह से लोगों के घरों और इलाकों में घुस गया है कि उनकी सिर्फ गर्दन ही नजर आ रही है और कुछ के कमर से ऊपर तक पानी भरा है। ऐसे में लोग अपने जीवन यापन को आगे बढ़ाएं तो कैसे बढ़ाएं, रोजाना कुछ ना कुछ करने के लिए बाहर निकलना है और ऐसे में इस तरह की चुनौती खासतौर पर महिलाओं और बच्चों के लिए ज्यादा। बच्चों को लगातार सहूलियत देने के लिए एनडीआरएफ की टीम वहां पर मौजूद है लेकिन इतना ज्यादा पानी है कि लोगों तक मदद पहुंचाना भी इतना आसान नहीं है। सांगली में आई बाढ़ का जलस्तर धीरे धीरे कम होने लगा है और पानी धीरे धीरे उतरने भी लगा है। मैं इस वक्त सांगली के तिलक चौक पर मौजूद हूं और आप तस्वीर देखिए, ये निचला इलाका है इसलिए अभी तक यहां पर पानी लगा हुआ है लेकिन कल जो परिस्थिति थी, पूरा जो इलाका है ये सांगली शहर का या तिलक चौक हो, झूलेलाल चौक हो या बस स्टॉप हो और साथ ही साथ अगर हरिपुर आप जाएंगे तो उस तरफ का एरिया पूरा पानी से भरा हुआ था। एनडीआरएफ की और आर्मी की बोट इस पे दौड़ रही थी, यानी ये रोड का एरिया है जहाँ पे सड़कें, जहाँ पर गाड़ियाँ जो हैं तेज़ी से दौड़ती हैं वहाँ पर बोट दौड़ रही थी और पानी जो है काफ़ी ऊपर तक था और जो इमारतों का हिस्सा था वो काफ़ी ऊपर तक भरा हुआ था, यानी किसी भी तरह का ट्रांसपोर्ट नहीं जा सकता था। जो लोग फंसे हुए थे यहाँ पर उन्हें एजेंसियाँ लगातार निकाल रही थी रेस्क्यू ऑपरेशन करके, लेकिन अभी भी देखिए यहाँ पर काफ़ी पानी लगा हुआ है क्योंकि ये कृष्णा नदी का किनारा है और जब कृष्णा नदी ने रौद्र रूप दिखाया, उफान पर आई तो पूरा जो पानी है इस हिस्से में घुसा, मेन मार्केट का ये हिस्सा है और यहाँ पर घुसा और इसके बाद तमाम इलाकों को, तमाम बिल्डिंगों को अपनी आगोश में ले लिया। और ये जो स्थिति आप देख रहे हैं अभी भी नाव इसमें चल रही है क्योंकि ये नीचे का हिस्सा है, करीब 4 से 5 फीट का ये पानी अभी भी भरा हुआ है लेकिन जिस तरह से पानी लगातार पिछले 4-5 दिनों से उतर रहा है बारिश ना होने के चलते, उससे सांगली के लोगों को जो बाढ़ की चपेट में थे उन्हें थोड़ी सी राहत जरूर है। अब इंतजार यही है कि जल्द से जल्द ये पानी उतरे और रास्ता जो है वो चालू हो जाए और जो ट्रांसपोर्ट है वो फिर से शुरू हो सके क्योंकि हाईवे का जो हिस्सा है वो क्लियर हो चुका है लेकिन आगे गाड़ियां आने के लिए इस पानी का क्लियर होना बहुत जरूरी है, तभी जाके शहर में लोग घुस पाएंगे। मैं इस वक्त कृष्णा नदी के अरविंद पुल के नीचे मौजूद हूँ और आपको यहाँ का बहाव दिखा देता हूँ। जिस कृष्णा नदी के चलते सांगली में बाढ़ की स्थिति पैदा हुई, तमाम लोग जो है वो बाढ़ के अंदर फंस गए। ये परिस्थिति है, फिलहाल धीरे धीरे पानी उतर रहा है और जो बहाव है वो बहुत धीरे धीरे कम हो रहा है, राहत की खबर है। लेकिन आपको लेवल दिखा देता हूँ, लेवल आपको जो लिखा हुआ व्हाइट कलर में नजर आया है वो देखिए, जो स्थिति है अभी 51 के आसपास जो है अभी लेवल है, यानी या और जो पानी गया था बाढ़ के दौरान जो पिछले 7-8 दिनों में वो लगभग 55 के ऊपर, यानी जो आपको कमल का निशान ब्रिज के अंदर पास दिख रहा है वहाँ तक पानी गया था और वहाँ तक पानी उतरने के बाद इसका मतलब है कि धीरे धीरे पानी जो है वो नीचे की तरफ जा रहा है लेकिन अभी भी रेड अलर्ट यह है क्योंकि 51 का आपको दिख रहा है, 51 का अगर यहाँ पर माना जाता है कि 55 के जब तक नीचे नहीं होता है, 45 के नीचे जब तक नहीं होता है तब तक जो है रेड अलर्ट का खतरा रहता है और जब तक वहाँ तक नीचे पानी नहीं जाएगा, जो गांव में पानी लगा हुआ है आसपास के इलाकों में वो नीचे नहीं जाएगा। तो ये स्थिति है, फिलहाल धीरे धीरे जो पानी है वो जलस्तर वो नीचे उतर रहा है और अब क्योंकि 5 से 6 दिनों से बारिश लगातार नहीं हुई है तो ऐसे में लोगों के लिए राहत की खबर यह है कि जिस तरह की परिस्थिति हमने 7-8 दिनों में देखी, घर के ऊपर से बोट चल रही थी, खेतों के ऊपर से बोट चल रही थी और जहाँ पे गाड़ियाँ हाईवे पर दौड़ती हैं वहाँ पर बोट चल रही थी, तो आप समझ सकते हैं कि जो एनडीआरएफ की बोट होती है वो 5 फुट का पानी होता है तो ही उसके ऊपर चल पाती है और वहाँ पर काफ़ी खतरनाक स्थिति थी, 45 से 50 फुट तक जो है पानी इलाकों में लगा हुआ था और इसी वजह से पूरे सांगली में तबाही का मंजर हुआ और तबाही का मंजर सबने देखा, हर किसी के मन में डर था कि वो बच पाएंगे या नहीं लेकिन जिस तरह से
एजेंसियों ने काम किया, एनडीआरएफ ने काम किया, आर्मी ने काम किया, उसने लोगों की जान बचाई, सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया और अब धीरे धीरे स्थिति सामान्य हो रही है। लेकिन अभी जब जलस्तर और नीचे जाएगा तो जो इलाकों में अभी भी पानी भरा हुआ है तभी वह नीचे उतर पाएगा। तो ऐसे में लोगों के मन में उम्मीद जगी है कि फिलहाल अब जो स्थिति है वो धीरे धीरे सामान्य हो जाएगी। लाइट पानी जो नहीं मिल पा, जो कट हो गया था, वो अब धीरे धीरे लोगों को मिल पाएगा, यानी जीवन एक बार फिर से पटरी पर लौटेगा। और पटरी पर लौटने के साथ ही जो परिस्थिति है, जो फिर से भागती दौड़ती जो सांगली है, वो फिर से उनकी भागदौड़ शुरू हो पाएगी। और फिर एक तरह से जो परिस्थिति आपको देखने को मिल रही है, धीरे धीरे जलस्तर जो है कृष्णा नदी का वो कम हो रहा है, लेकिन अभी भी कम होना जरूरी है, क्योंकि जिन इलाकों में, जिन घरों में या जिन क्षेत्रों में पानी भरा हुआ है वो तभी उतर पाएगा जब इसका जलस्तर कम होगा। तमाम जो लोग हैं गांव के, यही उम्मीद कर रहे हैं कि धीरे धीरे अब सामान्य हो जाए स्थिति। और उनके लिए ये अरविंद ब्रिज है, ये सीधा जो है सांगलवाड़ी गाँव इसके आगे पड़ता है, लेकिन जब पानी भरा था तो पूरा संपर्क टूट गया था। और ये देखिए ब्रिज काफ़ी पुराना है और यहाँ पर 1929 का बना हुआ ये ब्रिज है, यानी बहुत ज़्यादा पुराना है। और आगे एक हिस्सा है जो कि बारिश के चलते जो है खिसक गया था नीचे की तरफ, उसे बंद कर दिया गया है। और दूसरी तरफ ये जो हिस्सा था, आगे आप एक्सेस नहीं कर सकते थे, क्योंकि आगे सांगलवाड़ी के तो आउटर एरिया में जहाँ नाका है वहाँ पर बंद था, बंद कर दिया गया था, क्योंकि बारिश और साथ ही साथ बाढ़ का जो पानी है वो काफ़ी ऊपर भरा हुआ था, गांव का संपर्क टूट गया था। आप देखिए गांव सामने नज़र आ रहा है, वो देखिए पूरा गांव जो आपको नज़र आ रहा है, ये सांगलवाड़ी गांव है और ठीक कृष्णा नदी के किनारे है, यानी जब नदी जो है उफान पर आई, बाढ़ की परिस्थिति आई, तो पूरे गाँव को अपने चपेट में ले लिया, यानी गाँव को डूबने में ज़्यादा वक्त भी नहीं लगा, लोग फंस गए। लोगों के मन में यही डर था कि वो बचेंगे या नहीं बचेंगे, लेकिन जिस तरह से 7-8 दिनों में आर्मी ने, एनडीआरएफ ने काम किया है, जब से वो एक्टिव हुए तब लोगों के मन में कहीं ना कहीं उम्मीद जगी कि वो बच जाएंगे, और वही हुआ। रेस्क्यू ऑपरेशन किया गया, सुरक्षित निकाला गया और अब धीरे धीरे हल्की धूप भी खिल गई है सांगली में, और अब धीरे धीरे लोग उम्मीद कर रहे हैं कि जलस्तर और नीचे नीचे जाए कृष्णा नदी का, तभी जाके जिन इलाकों में अभी भी पानी, जिन हिस्सों में भरा हुआ है, वहाँ से पानी निकले और फिर से लोग अपनी सामान्य ज़िंदगी जी पाएँ। कैमरामैन अतुल टिकले के साथ दिवाकर सिंह, न्यूज इंडिया, सांगली। इस तरह बाढ़ से बेहाल महाराष्ट्र का सांगली ही नहीं बल्कि कोल्हापुर भी है, और कोल्हापुर में भी ज्यादातर इलाकों में बाढ़ का पानी अभी तक नहीं उतरा है। लोग इंतजार कर रहे हैं कि ये रास्ते फिर एक बार खुलें और आसपास के इलाके से उनका संपर्क फिर एक बार बने। कोल्हापुर की ये तस्वीर आप देख रहे हैं, हालांकि पिछले कुछ घंटों से बारिश यहाँ जरूर रुकी हुई है, लेकिन अभी भी लोगों को इंतजार है कि बाढ़ का पानी यहाँ से कम हो, क्योंकि जिन सड़कों पर गाड़ियाँ दौड़ती थी वहाँ बोट दौड़ानी पड़ रही है। सेना के जवान भी अब इन फंसे हुए लोगों को सुरक्षित जगहों तक पहुंचा रहे हैं, क्योंकि मकान आधे से ज़्यादा यहाँ डूब चुके हैं। कोल्हापुर और आसपास में कृष्णा नदी के लगातार उफान पर होने की वजह से भी ये पानी तेज़ी से नीचे नहीं उतर रहा। एनडीआरएफ, सेना और एयरफोर्स ने भी यहाँ रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया, और जिन इलाकों में ये जवान पहुँचे, यहीं न्यूज़ 18 इंडिया की भी टीम पहुँची। जुनवाड़ से कुरुंदवाड़ जाने के लिए इस रास्ते से होकर गुजरना पड़ता है, और सबसे अहम बात कि जो पानी का बहाव था, जो काट थी, वो कम हो चुकी है, लेकिन जो बाढ़ का पानी है वो अभी भी भरा हुआ है। और ऐसे में एक गांव से दूसरे गांव जाने के लिए कमर तक के इस पानी में गुजरना ही गुजरना पड़ता है। दूसरी तरफ का हिस्सा आपको दिखाई पड़ तो जाएगा, लेकिन वहाँ तक पहुँचने के लिए अगर आप देखें तो जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे पानी का बहाव तेज़ होता चला जाएगा। एनडीआरएफ को यही सबसे बड़ी समस्या आ रही है कि वो चाहे तो भी जो है वो यहाँ तक आसानी से राहत का सामान नहीं पहुँचा पाती, क्योंकि एक गांव से पहुँचने में बोट जो है पहुँच तो जाती है, सामान भी पहुँच जाता है, लेकिन दूसरे गांव तक पहुँचाने के लिए उन्हें फिर से राशन लाना पड़ता है, उसमें ज़्यादा वक्त लगता है। जैसे जैसे आगे बढ़ें वैसे वैसे पानी का स्तर भी बढ़ता चला जाएगा। लोग जो हैं, स्थानीय लोग, वो अब इसी के सहारे जो है इसी रास्ते से का इस्तेमाल कर रहे हैं, फिलहाल डूब के जाते हैं। आप पानी का स्तर देखें तो किस तरह से यहाँ पर आपको दिखाई पड़ेगा कि बढ़ा हुआ है, और कुछ ही जो एक सकरी पट्टी है उसी सकरी पट्टी पे ही आपको चलना है तो आप दूसरी तरफ निकल पाएंगे। आज इधर या उधर, दूसरी ही दोनों ही तरफ अगर आप
ज़रा सा भी बैलेंस खोते हैं तो पानी का गहरा स्तर जो है वो आपको अपनी चपेट में ले लेगा। फिलहाल पानी ऊपर तक चढ़ता है और एक गांव से दूसरे गांव में जाने का यही रास्ता है। कुरुंदवाड़ जाना है तो अर्जुनवाड़ के इस हिस्से से गुजरना ही गुजरना पड़ता है। जो स्थानीय लोग हैं उनसे बात करते हैं कि वो लोग किस तरह के जो है समस्याओं में जुटे हुए हैं और किस तरह की तकलीफें लोगों को झेलनी पड़ रही हैं। एक चीज़ बताएं, पानी ये जो अभी कमर तक है ये पहले कितना था? इतना था, इससे ही ज़्यादा था, दो फुट था इससे। तो मतलब दोनों ही हिस्सों की कनेक्टिविटी है थी ही नहीं? नहीं, नहीं, नहीं थी, इधर रस्सी बांध के रखा था इधर से, तो इधर से लोग आते जाते थे इधर से। और अभी जब फूड एंड सप्लाई हो रही है? अभी हो रहा है उधर से, कल भी होता था आज भी है फूड और वो पानी की बोतल टार वाले, टार वाले सब डिस्ट्रीब्यूट करके दे रहे हैं उधर, उस भाग को भी दे रहे हैं, इस भाग को भी दे रहे हैं। अभी क्या हो रहा है सब, पहले पाँच दिन पहले कुछ नहीं आता था इधर, अभी दो तीन दिन में सब आ रहा है, हेलीकॉप्टर से भी भेज रहे और बोट से भी भेज रहे हैं। एनडीआरएफ का काम भी उसका अच्छा रहा है। सब एक चीज़ बताएं, सबसे क्योंकि अर्जुनवाड़ का गांव है, यहाँ पर सबसे बड़ी दिक्कत मैंने चीज़ देखी कि यूरिया जो है 50 टन यूरिया रखी गई थी वो यूरिया भी भई है, ऐसे में कई लोग जो है इससे प्रभावित होंगे। नहीं, उसका यूरिया का सब वो गोडाउन है ना, 50 टन गोडाउन था, वो सब पानी की वजह से बह गया। अभी किसको अंदाज़ा नहीं था इतना पानी आएगा, इतनी बाढ़ आएगी, इतने महापुर आएगा, किसको पता नहीं था, अचानक सब पानी बढ़ रहा है। कोल्हापुर का अर्जुनवाड़ गांव पूरी तरह से बाढ़ की चपेट में, हालांकि धूप निकल आई है, पानी का स्तर धीरे धीरे नीचे जा रहा है, लेकिन अभी भी यहां पर हालात गंभीर इसलिए हैं क्योंकि पानी का स्तर अभी भी बना हुआ है, लोगों के लिए दिक्कतें अभी भी हैं, फंसे हुए लोग हैं। और सबसे अहम बात कि यहां पर 50 टन यूरिया जो है वो बाढ़ के पानी के साथ पूरे गाँव में जो है बहती हुई चली गई है, जिसके चलते कहीं ना कहीं एक तरह से बीमारियों का खतरा, फसल बर्बाद होने के साथ साथ लोगों के ऊपर इसका असर पड़ना शुरू हो चुका है। सर, जानना चाहूँगा ये जो 50 टन यूरिया है ये बाढ़ के साथ जो है पूरे गांव में फैला है, ऐसे में कितना खतरनाक है? बिल्कुल, यहाँ पर जो एक साथ इतनी यूरिया का, इतनी मात्रा में यूरिया बहा है, उससे यहाँ पर जो छोटे जानवर हैं, पक्षी हैं, उन लोगों को अगर उसमें रहते हैं तो वो पूरी तरीके से समाप्त हो जाएंगे। उसका असर यहाँ के मवेशियों पे सबसे ज़्यादा पड़ेगा क्योंकि वो मवेशी हैं जो कि पानी, यही पानी को पी लेते हैं, जिससे कि उनको बीमार होने की संभावना है। उसके बाद यहाँ पर इतनी मात्रा में अगर यूरिया निकला है तो आसपास के इलाके में भी इफेक्ट डालेगा। यहाँ पे पानी जब समाप्त हो जाएगा तो उसका भी थोड़ा बहुत असर पड़ेगा। उसके लिए यहाँ पर डॉक्टर और यहाँ पर मेडिसिन हम लोग बांट रहे हैं और आगे भी ये यहाँ पर डॉक्टर की टीम लगातार आती रहेगी। 50 टन यूरिया जो है वो इन पूरी फसलों को बर्बाद कर देने के लिए काफ़ी है। हालात गंभीर हैं क्योंकि यूरिया का जो प्रवाह है वो पूरे गांव में, साथ ही साथ पीने के पानी के लिए भी जो लोग इस्तेमाल कर रहे हैं बरसात का पानी, उसमें भी फैला हुआ है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं एनडीआरएफ की तरफ से ये कहा जाए कि सर्च और रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा रहा है, लोगों की मदद की जा रही है, लेकिन यहाँ पर देखें जिस तरह से संतुलन खोया वो साफ तौर पर बता देने के लिए काफ़ी है कि पानी की काट सामने आपको दिखाई पड़ेगी कि कितनी है। कृष्णा नदी के ये पानी की काट है, ये कृष्णा नदी की रफ्तार है जो अपने चपेट में सबको लिए हुए है। फिलहाल जो है रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है और साथ ही साथ अर्जुनवाड़ी के गांव में जो है राहत और बचाव कार्य के लिए एनडीआरएफ की मदद भी जारी है। आशीष सिंह, न्यूज 18 इंडिया। और इधर मध्य प्रदेश के भी कई जिले बाढ़ का प्रकोप झेल रहे हैं। बड़वानी, खरगोन, धार, नीमच, गुना और रायसेन में बारिश और बाढ़ के कहर की तस्वीरें सामने हैं। हालात ऐसे हो गए हैं कि डैम का पानी भी ओवरफ्लो हो गया है, जिससे निचले इलाकों में बाढ़ से बर्बादी का खतरा और बढ़ गया है। खासतौर पर मध्य प्रदेश के बड़वानी और आसपास के इलाके में लोगों की मुश्किलें बढ़ गई है क्योंकि सरदार सरोवर के बांध का पानी छोड़े जाने के बाद ये वो सबसे ज्यादा प्रभावित इलाका है, जहां आप देख सकते हैं कि गांव आधे से ज्यादा डूबे नजर आ रहे हैं। मंदिर, दुकान, मकान सब कुछ डूबे नजर आ रहे हैं। मध्य प्रदेश के बड़वानी में कुछ गांव अब टापू में तब्दील हो चुके हैं, शहरी इलाकों से इनका संपर्क पूरी तरह से कट गया है। इस वक्त न्यूज 18 की टीम ग्राउंड जीरो पर मौजूद है और आप देख सकते हैं कि ये वही राजघाट है जहां पर कारें पार्किंग हुआ करती थी। इधर आप कैमरामैन से अनुरोध करूंगा इधर दिखाएं, ये छोटे छोटे मंदिर हैं, धर्मशालाएं हैं, ये वही मंदिर है। आगे जो आप देख रहे हैं सबसे आगे ये दत्त मंदिर है, सालों पुराना मंदिर है जो अभी डूब चुका है। मंदिर में प्रतिमाएं मौजूद हैं
और ये वही मंदिर है जहां रोज शाम को आरती होती थी, घंटियां गूंजती थी, कई सैकड़ों हजारों श्रद्धालु जो यहां आकर नर्मदा स्नान करते थे। और आप इधर देख सकते हैं नर्मदा सेवा ट्रस्ट राजघाट की जो एक धर्मशाला है वो भी यहाँ पर डूब चुकी है और हालात इसी तरीके से बदतर होते जा रहे हैं। यहाँ से सभी लोगों को हटाया जा चुका है। इस राजघाट का सिर्फ एक ही हिस्सा जो टापू में तब्दील हुआ है, वहाँ पर लगभग 25 से 30 घर बताए जा रहे हैं जिनके चारों तरफ पानी घूम चुका है और वो अभी सिर्फ नाव से आना जाना कर रहे हैं। शासन की तरफ से लगातार उन्हें ले जाने का प्रयास किया जा रहा है लेकिन मुआवजा नहीं मिलने के कारण वो यहाँ से किसी भी कंडीशन में जाने को तैयार नहीं है। आपने गांव में भी देखा कि बच्चे किस तरह से क्रिकेट खेल रहे हैं, महिलाएं कपड़े धोने जा रही हैं, पानी भरने जा रही हैं, तो क्रम वही जारी है। लेकिन जो नर्मदा का आप रौद्र रूप देख रहे हैं यहां पर, नर्मदा खतरे के निशान से 7 मीटर ऊपर बह रही है और यही हालत रहे तो धीरे धीरे जो है ये डूब बढ़ना है और इसी डूब के जद में लगभग बड़वानी जिले के 32 गाँव आना है। तो यही क्रम अगर जारी रहा तो ये डूब और बढ़ सकती है। पंकज शुक्ला, News 18 बड़वानी। और मध्य प्रदेश के बड़वानी का हाल बेहद खराब है। यहाँ पर नदी में बड़े जलस्तर ने लोगों की परेशानियां बढ़ा दी हैं। नदी में उफान से इलाके का रास्ता बंद हो गया है जिसके बाद लोग अपनी जान जोखिम में डालकर रस्सी की मदद से नदी के ऊपर से गुजरते दिखाई दिए। जरा भी चूक लोगों की जान के लिए बड़ी मुसीबत बन सकती है। लेकिन बाढ़ की वजह से रायसेन जिला भी खासा प्रभावित है। आसपास के इलाकों में नदी नाले उफान पर हैं और ये तस्वीर भी बेहद खास है। रायसेन जिले के गीतगढ़ गांव की ये तस्वीर आप देख रहे हैं। लोकल लैंग्वेज में इसे जुगाड़ पुल कहा जाता है। यही एक वो जरिया इन बच्चियों के लिए स्कूल तक पहुंचने का है। रेल की टूटी हुई दो पटरियों को रखकर इस नाले के ऊपर डाला गया ताकि लोग दूसरे गाँव तक पहुँच सकें, खासतौर पर स्कूल की ये बच्चियाँ। फिर क्यों नदी पार करती हो? पढ़ने के लिए। पढ़ने के लिए क्या बनना चाहती हो? कलेक्टर। कलेक्टर बनना चाहती हो? आप रोज इसी तरह इस पुल को पार करके आती हो? हाँ। तो ये पुल पे हिलता है तो आपको डर लगता है? लगता है। रास्ता वहाँ पर जाने के लिए कोई जगह नहीं है सरकारी, इसलिए पुल का जो है ना काम रुका हुआ है। सरपंच से मेरी बात हुई, सीओ से बात हुई, उनके द्वारा बताया कि इसका प्रस्ताव आगे भेज दिया गया है। प्रस्ताव आते ही और रास्ते के संबंध में जो है ना जो उचित कदम हमारी तरफ से उठाना होंगे हम उठाएंगे। और इधर जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाए जाने और केंद्र शासित प्रदेश बनाए जाने के बाद पहली बार धूमधाम से ईद मनाई गई। श्रीनगर, जम्मू, राजौरी, रामबन, पुंछ, उधमपुर में लोगों ने मस्जिद में नमाज पढ़ी और एक दूसरे को ईद की बधाई दी। ये छत तस्वीर आपको दिखा रहे हैं किस तरह से जम्मू कश्मीर में अमन की ईद नजर आ रही है। श्रीनगर, जम्मू, राजौरी, रामबन, पुंछ और उधमपुर की ये तस्वीरें हैं। और श्रीनगर में भी ये ईद की रौनक दिखाई दी। आर्टिकल 370 हटाए जाने के बाद ये पहली ईद वादियों में मनाई जा रही है। श्रीनगर की ये तस्वीर आप देख रहे हैं जहां मस्जिद के बाहर सुरक्षा बल के जवान भी गले लगाकर इन लोगों को ईद की बधाई देते दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में जबकि एहतियात के तौर पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम हैं, आर्टिकल 370 हटाए जाने के बाद सुरक्षा के मद्देनज़र चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बल मौजूद और आज ईद की नमाज के बाद लोगों को गले लगाकर इन्होंने बधाई भी दी। आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको चार चिनार दिखाई देगा जो कि कश्मीर की एक पहचान है। डल झील के बीचों बीच ये चार चिनार है और इस इलाके को भी CRPF की विंग जो विंग वाटर विंग है वो उसकी नजर रखती है, पूरे एरिया की सुरक्षा वो करती है। इसी बीच आप देख सकते हैं मेरी बाई तरफ आपको हजरत बल दिखाई देगा। हजरत बल जहाँ पर आज करीब 10,000 लोगों ने आज नमाज पढ़ी है, ये वो इलाका है हजरत बल का जहाँ पर आज नमाज पढ़ी गई है। ईद के दिन, बकरीद के दिन यहाँ पर आज सुबह जो आवाजाही थी लोगों की काफ़ी दिखी गई। ये कश्मीर यूनिवर्सिटी का इलाका है जहाँ पे हम ऊपर से गुजर रहे हैं। ये देख सकते हैं नीचे ये वो सड़क है जो गांधरबल की तरफ जाती है और उस तरफ सोरा इलाका है जहाँ पर सुबह जो आपको मस्जिद दिखाई दे रही है हरे रंग में, वो सोरा की मस्जिद है जिस पर आज सुबह करीब 2,000 लोगों ने नमाज अदा की है आज ईद के दिन। ये कश्मीर का पूरा नज़ारा आपको यहाँ हेलीकॉप्टर से
विशेष रिपोर्ट आप ये देख पा रहे हैं, न्यूज 18 नेटवर्क पर आप ये रिपोर्ट एक्सक्लूसिव रिपोर्ट देख पा रहे हैं। सरकार की तरफ से न सिर्फ सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं बल्कि आम लोगों की सुरक्षा के लिए भी और आम लोगों की सहूलियत के लिए भी कदम उठाए गए हैं सरकार की तरफ से, और लगातार ये कोशिश की जा रही है कि लोगों को आज के दिन मुश्किल ना हो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ये वादा किया था देश के नाम अपने संदेश में कि ईद के दिन यहाँ पर लोगों को दिक्कत नहीं होनी चाहिए, इसलिए तमाम यहाँ पर इकदाम उठाए जा रहे हैं। देश के अन्य राज्यों की तरह आज कश्मीर घाटी में भी ईद मनाई गई। हमारे साथ जम्मू कश्मीर सरकार के प्रवक्ता रोहित कंसल जी हैं। रोहित सर, आज किस तरह यहाँ पर ईद मनाई गई, क्या कुछ आप बताएंगे डिटेल में? देखिए, एज वी स्पीक, और जैसे मैंने आपको कहा कि घाटी के तमाम डिस्ट्रिक्ट से हमारे पास पुरअमन पीसफुल ईद की नमाज अदा करने की खबरें आ रही हैं। बारामूला से, शुपियान से, अवंतीपुरा से, श्रीनगर से, तमाम जगह लोगों ने ईद की नमाज अदा की और हमारे पास अभी तक किसी प्रकार की अप्रिय घटना की कोई समाचार नहीं है। और इधर जम्मू और रामबन में भी ईद के मौके पर मस्जिदों में नमाज अदा की गई। ईद पर लोग काफी खुश दिखाई दे रहे हैं। श्रीनगर और राजौरी में लोग ने ईद की नमाज अदा की। तो तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं वो हिस्से जम्मू श्रीनगर के, जम्मू और रामबन के, जहां ईद के मौके पर मस्जिदों में नमाज अदा की गई है। इस पावन मौके पर ईद पर लोगों के चेहरों पर खुशी दिखी। श्रीनगर और राजौरी में भी लोगों ने ईद की नमाज अदा की और बड़ी तादाद में तैयारी केंद्र सरकार की तरफ से की गई थी, क्योंकि धारा 370 को हटाए जाने के बाद ये पहला मौका था जब ईद का सेलिब्रेशन होना था। और ईद के दौरान अलग अलग जो हिस्से थे वहाँ पर, कुछ ऐसे हिस्से भी हैं जहाँ से लगातार ये कहा जा रहा था कि यह माहौल ख़राब हो सकता है, वहाँ पर पूरी सुरक्षा चौकसी रखी गई है। लेकिन तस्वीरें और ख़बरें अभी तक सब अच्छी आ रही हैं, लोग खुशी के साथ ईद को सेलिब्रेट कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी सभी को ईद की मुबारकबाद दी है और समाज में खुशहाली और शांति की कामना की है। ट्वीट करते हुए उन्होंने लिखा, ईद उल अजहा के मौके पर सभी को मेरी ओर से शुभकामनाएं, समाज में शांति और खुशहाली की कामना करता हूं, ईद मुबारक। प्रधानमंत्री मोदी का ट्वीट कर सभी को ईद की बधाई दी। और जम्मू कश्मीर के बीजेपी प्रभारी राम माधव ने कहा कि जम्मू कश्मीर में परिसीमन के बाद विधानसभा चुनाव होंगे। उन्होंने पाकिस्तान पर निशाना साधते हुए जम्मू कश्मीर को भारत का आंतरिक मामला बताया। राजनीति की मॉनिटरिंग करते रहे राम माधव जी, सरकार बनवाने में भी आपकी एक महत्वपूर्ण भूमिका थी, तो ये सिचुएशन जो है, ये स्थितियाँ जो हैं, चुनाव की तरफ कब तक हम माने कि नॉर्मलसी तक आ जाएगी? क्योंकि एक चुनाव होना काफ़ी मायने रखता है उस राज्य में, जनता को वोट का अधिकार देने के लिए, अपना नेता चुनने के लिए। पहली प्राथमिकता की पूरे राज्य के अंदर इस निर्णय का सही जानकारी लोगों को मिले, और सब लोग वैसे जम्मू में और लद्दाख में इसका बहुत हर्ष और उत्साह के साथ स्वागत हुआ है। उधर कारगिल में और कश्मीर घाटी में भी लोग इसको शांति से समझने का कोशिश कर रहे हैं। इस प्रक्रिया को हम जारी रखेंगे। और दूसरा, विकास के अनेक बड़े बड़े कदम उठाकर इसका जो फायदा है, इस 370 धारा हटने का जो फायदा है वो लोगों तक स्वयं पहुंचे, उसका भी प्रयास होगा। रही चुनाव के बाद जो बिल पारित हुआ राज्य को दो भाग में बांटते हुए, उसके अंतर्गत जम्मू कश्मीर राज्य को डिलिमिटेशन एक्सेस में उसको पूरा करने का एक विषय उसमें बोला गया है। तो इस डिलिमिटेशन के अंतर्गत उस राज्य में अब 90 विधानसभा के सीट बनेंगे, 24 POK में रहेंगे, वो तो भरेंगे नहीं, बट जम्मू कश्मीर का जो नया राज्य बनेगा उसमें, नया UT बनेगा उसमें 90 असेंबली सीट्स होंगे। उसके लिए डिलिमिटेशन करना पड़ेगा क्योंकि वर्तमान में 83 सीट्स है, उसको 90 करना है। इसके लिए डिलिमिटेशन का एक्सरसाइज होगा। जैसे ही वो एक्सरसाइज संपन्न होगा, मुझे लगता है कि फिर चुनाव की प्रक्रिया उसके बाद प्रारंभ होगी। POK को छोड़ दें तो एक अखंड भारत का सपना एक मोटा मोटी पूरा हो गया राम माधव जी, लेकिन पाकिस्तान जैसे देश, चाइना जैसे देश, अमेरिका जो मध्यस्थता की बात कर रहा था, आपको लगता नहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस चीज़ को बहुत ज़्यादा उछाल दिया जाएगा भारत के खिलाफ? किसी और देश को इसमें कोई लोकस स्टैंडाई नहीं है, ये भारत के संविधान का अपना सार्वभौम अधिकार है, उसका उसके अंदर जो परिवर्तन करना है पार्लियामेंट का अधिकार क्षेत्र में आता है। अभी तक 370 को 45 बार कम से कम उसके अंदर चेंजेस लाया गया,
तब तो हमने इंटरनेशनल कम्युनिटी को थोड़ी पूछा था, कश्मीर हमारा है, हमारे धारा 370 हमारे संविधान का एक आर्टिकल है, उसके अंदर जो परिवर्तन करने वो हमारा अधिकार है, सार्वभौमिक अधिकार है। और जहाँ तक पाकिस्तान का प्रयास इसको इंटरनेशनल करने का है, वो अभी तक तो सफल हुआ नहीं। ना यूएन ने माना है कि इंटरनेशनल इशू है, ना यूएस ने कोई तवज्जो दिया है, रशिया ने साफ बोल दिया कि इंडिया का इंटरनल मैटर है, चाइना ने भी कुल मिलाकर उसी भाषा में बोला है, चाइना कुछ दूसरा मुद्दों को लेकर भाषा अपना आपत्ति जताई, पर इस मुद्दे पर चाइना भी लगभग इसी मत का है। इसलिए मुझे नहीं लगता कि कोई इंटरनेशनली पाकिस्तान कितना भी प्रयास करे ये मुद्दा बन पाएगा। हम दुनिया में हमारी डिप्लोमेसी के माध्यम से हम भी इस बात को समझाएंगे। राम सर, आखिरी में एक दो छोटे सवाल। बड़ा एक सपना था बीजेपी के नेताओं का, श्याम प्रसाद मुखर्जी का, कि वहाँ भगवा झंडा फहराए। क्या इस डिमिलिटेशन के बाद जो चुनाव होंगे, क्या माने कि बीजेपी का मुख्यमंत्री होगा? आपकी तैयारी उसी दिशा में है? हम तो पूरा प्रयास करेंगे कि जैसे देश के तमाम राज्यों में आज भाजपा की सरकारें हैं, उसी प्रकार जम्मू कश्मीर में भी बीजेपी लेड गवर्नमेंट जरूर बने, बीजेपी नेतृत्व वाली सरकार बने, इसके लिए हम पूरे प्रयास करेंगे। उम्मीद पूरा उम्मीद है हमको। वैसे इस बार जो भी सरकार जम्मू कश्मीर में बनेगी वो बीजेपी लेड गवर्नमेंट बनेगी, बीजेपी शासित सरकार बनेगी। आखिरी सवाल, 15 अगस्त को एक ऐलान हुआ था कि सारे पंचायत के स्तर पर झंडे फहराएंगे भारत के, क्या वो प्रोग्राम आप लोगों का स्टैंड कर रहा है? हम जरूर देश भर में इस आज़ादी के उत्सव को जोर शोर से मनाएंगे। कश्मीर में आपने बात, इसी प्रकार कश्मीर के अंतर्गत भी वहाँ का प्रशासन जो भी निर्णय करेगा, सभी पंचायत जहाँ चुनाव हुए हैं वहाँ सभी पंचायत में भी राष्ट्रध्वज को फहराने का कार्यक्रम वगैरह जो एडमिनिस्ट्रेशन तय करेगा उस प्रकार संपन्न होगा। हमारे पार्टी की तरफ से भी कार्यकर्ता बहुत उत्साहित है, हमारे पार्टी कार्यालयों के अंदर भी सब जगह सब दूर राष्ट्रध्वज का फहराने का कार्यक्रम होगा। धन्यवाद राम माधव जी। कैमरामैन जयपाल सिंह रावत के साथ अमिताभ सिन्हा, दिल्ली न्यूज़ 18 इंडिया।